नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कौन कौन से ज़िले का काउंसलिंग रद्द किया गया है और कौन कौन से ज़िले का ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, वो डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपका ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हो जाता है, आप नहीं मानिए कि वहाँ का काउंसलिंग रद्द हो गया है। क्योंकि बहुत सारी झूठी अफवाहें भी उड़ाई जाती है, जिससे अभ्यर्थी सब परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल लेटर दरभंगा का है, ये ऑफिशियल लेटर भोजपुर का है, ये ऑफिशियल लेटर नालंदा का है, ये ऑफिशियल लेटर मुजफ्फरपुर का है और ये भी मुजफ्फरपुर का है। यानी कि सारा का सारा अपडेट हम आपको ऑफिशियल लेटर से देने वाले हैं कि कहाँ कहाँ का काउंसलिंग रद्द किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कहाँ कौन से शिक्षा विभाग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर अमल जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक आप पूरा शेड्यूल आप नहीं देखेंगे, शिक्षा विभाग का लेटर कोई नहीं देखेंगे, तो आप वहाँ काउंसलिंग करवाने में कन्फ्यूज रहिएगा कि मेरा तो सिलेक्ट हो गया, पता चले कि वहाँ का आपका काउंसलिंग ही रद्द हो गया। तो 13 तारीख से पहले हर एक लेटर पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सके। देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। कौन जारी किए हैं? तो प्रेषक अब्दुल सलाम अंसारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर जारी किए। और किन के? तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के, जो अभी प्राइमरी के जो डायरेक्टर, उनके लिए लेटर जारी किया गया। मुजफ्फरपुर दिनांक 11/8/2021 के डेट में इसे जारी किया गया है। विषय क्या है वो देख लेते हैं। विषय है कि जिले के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियोजन 2019-2021 के अंतर्गत गायघाट प्रखंड के काउंसलिंग के संबंध में। जी हाँ, गायघाट का जो काउंसलिंग है उसके संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। क्या कहा जा रहा है गायघाट को लेकर वो देख लेते हैं। प्रसंग, प्रखंड विकास पदाधिकारी गायघाट के पत्रांक 15/36 दिनांक 10/8/2021 एवं पत्रांक कैंप 1 दिनांक 10/8/2021 के आलोक में, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये बात बोला जा रहा है। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रशासनिक पत्र के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि जिले के छठे चरण के प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियोजन 2019-21 के अंतर्गत विभागीय शिक्षक नियोजन समय सारणी के अनुसार दिनांक 10/8/2021 को प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई गायघाट का काउंसलिंग द्वारकानाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुजफ्फरपुर में प्रारंभ हुआ। जी हां, गायघाट को बोला जा रहा है कि 10 तारीख के समय सारणी के अनुसार 10 तारीख को 1-5 का काउंसलिंग हुआ गायघाट का। प्रखंड विकास पदाधिकारी गायघाट ने अपने पत्रांक 15/36 दिनांक 10/8/2021 द्वारा काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। यानी कि वहां के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग से आग्रह किया कि यहां का काउंसलिंग रद्द किया जाए। पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी गायघाट ने अपने पत्रांक कैंप 1 दिनांक 10/8/2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि काउंसलिंग को यथावत बनाए रखा जाए। पहले वो कहते हैं कि काउंसलिंग को रद्द किया जाए, फिर कहते हैं कि नहीं, काउंसलिंग सही तरीके से हुआ है, काउंसलिंग को रहा जाए, काउंसलिंग रद्द नहीं किया जाए। और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जो वीडियो हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। हदोस्तारित एवं जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना द्वारा रात्रि 7:30 बजे उत्काउंसलिंग स्थल का भ्रमण कर समीक्षा किया गया। समीक्षा में पाया गया कि किसी भी अभ्यर्थी कोई भी आपत्ति नहीं है, यानी कि गायघाट में किसी भी कैंडिडेट का कोई आपत्ति वहां पे कंप्लेन नहीं किया गया है। सभी अभ्यर्थी संतुष्ट थे। नियोजन प्रक्रिया प्रथम दृष्टया नियमानुसार संचालित पाया गया। ऐसी परिस्थिति में गायघाट प्रखंड के वर्ग 1-5 के समान एवं उर्दू विषय के दिनांक 10/8/2021 को हुई काउंसलिंग को यथावत बनाए रखने की अनुशंसा की जाती है। यानी कि अब यहाँ का काउंसलिंग रद्द नहीं किया जाएगा। प्राइमरी डायरेक्टर से अनुशंसा बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है कि गायघाट का जो काउंसलिंग रद्द हुआ था उसे अब रद्द नहीं किया जाए। एक बड़ी खबर गायघाट के सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं विश्वास भजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से लेटर जारी किया गया। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर दिनांक 11/8/2021 के आलोक में ये लेटर जारी हुआ। अब चलिए दोस्तों,
दूसरा लेटर देख लेते हैं मुजफ्फरपुर के कि वो किस जिले की किस प्रखंड की बात की जा रही है। इसमें तो गायघाट का था जिक्र, जो कि आप देख सकते हैं पहले गायघाट का रद्द कर दिया गया था, अब नहीं किया गया। अब दूसरा लेटर देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर का ही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, नियोजन कैंप 31, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, यानी कि स्थापना के द्वारा ये लेटर जारी किया गया मुजफ्फरपुर की तरफ से। और किन के लिए, तो सेवा में जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के जितने भी BDO हैं उनके साथ में सदस्य सचिव प्रखंड नियोजन इकाई, जिलों के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बोछा, मीनापुर, सकरा, साहेबगंज एवं कुडनी को छोड़कर, ये इतने को छोड़कर, कहाँ, बोछा, मीनापुर, सकरा, साहेबगंज, कुडनी को, ये चारों, 1, 2, 3, 4 पांचों प्रखंड के छोड़कर। ये भी दिनांक 11/8/2021 के ही डेट में जारी किया गया है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विषय दिनांक 9/8/2021 एवं 10/8/2021 को आयोजित काउंसिलिंग उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनका प्रमाण पत्र अपलोड कराने के लिए बोला जा रहा है 9 और 10 के डेट में। प्रसंग अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना का पत्रांक 593 दिनांक 23/6/2021 एवं कार्यालय ज्ञापन नियोजन कैंप 11 दिनांक 29/7/2021 के आलोक में क्या कहा जा रहा है कि महाशय, उपयुक्त प्रशासनाधीन विषय की यह अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक काउंसलिंग तिथि के अपराह्न 4:30 बजे तक काउंसलिंग पंजी क्लोज करते हुए चयन सूची अपराह्न 6 बजे तक निर्गत करते हुए इसे जिला नियोजन कोषांग में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से साफ बोला गया था कि 4:30 बजे तक काउंसलिंग होगी और 6 बजे तक उसको क्लोज करके विभाग को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ताकि काउंसलिंग तिथि के अगले दिन इसे जिले के NIC वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। दिनांक 9/8/2021 एवं 10/8/2021 को क्रमशः वर्ग 6-8 एवं वर्ग 1-5 की काउंसलिंग जिले के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न की जा चुकी है, फिर भी अधा अवधि दिनांक 11/8/2021 को अपराह्न 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ उनके प्रमाण पत्र जिला नियोजन कोषांग के उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि खेद किया जा रहा, जिस कारण नियोजन प्रक्रिया हेतु निर्गत विभागीय दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा सका है। अंकनीय है कि नियोजन हेतु पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश एवं जिले में आहूत प्रशिक्षण में काउंसलिंग के सभी प्रक्रियाओं की जानकारी सभी शिक्षक नियोजन इकाई को दी जा चुकी है। ससमय चयनित अभ्यर्थियों की सूची निर्गत नहीं करना एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु इनका प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाना प्रथम दृष्टया आपके स्तर से शिक्षक नियोजन में की जा रही अनियमितता का द्योतक है, जो पूरी नियोजन प्रक्रिया पर संशय उत्पन्न करता है। देख सकते हैं कि अनियमितता की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि समय से चयन अभ्यर्थियों का लिस्ट अभी तक उनके शिक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः निर्देश है कि आप सभी इस संबंध में अपनी वस्तुस्थिति एवं विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए दिनांक 12/8/2021 अपराह्न 11:30 बजे तक चयन अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र ग, काउंसलिंग प्रपत्र ख एवं प्रमाण पत्रों का फोल्डर जिला नियोजन कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विश्वास भजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर की तरफ से ये लेटर निकाला गया कि आज 11:30 बजे तक आपको हर हाल में वो सारा डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग को देना है, कहीं ज़्यादा दिन रखेंगे तो फर्जीवाड़े होने की चांस है। अब नालंदा का देख लेते हैं कि नालंदा का अपडेट क्या आ रहा है, नालंदा का काउंसलिंग कहाँ रद्द हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा, यहाँ पे कार्यालय आदेश क्या है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन 755 दिनांक 28/7/2021 के आलोक में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 हेतु वर्ग 1-5 समान एवं उर्दू के लिए प्रखंड नियोजन इकाई का काउंसलिंग दिनांक 10/8/2021 को निर्धारित था। यानी कि 10 तारीख को जो काउंसलिंग चल रहा था 1-5 का प्रखंड स्तर का, वो समय से था। निर्देशानुसार दिनांक 10/8/2021 को जिला मुख्यालय स्थित आवासीय मॉडल माध्यमिक विद्यालय भैंसासुर बिहार शरीफ में प्रखंड नियोजन इकाई किराए पर सुराय के वर्ग 1-5 समान एवं उर्दू के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया गया। जी हाँ, वहाँ पे काउंसलिंग कराया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी किराए पर सुराय के द्वारा पत्रांक 940 दिनांक 10/8/2021 द्वारा प्रतिवेदित
समर्पित किया गया। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची से प्रमाण पत्र जांचोपरांत काफ़ी त्रुटियां पाई गई। जी हां, ये बात क्राय परसुराय का किया जा रहा है कि जो मेधा सूची था उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके कारण प्रखंड नियोजन इकाई का काउंसलिंग स्थगित किया जाए, यानी कि यहाँ पे काउंसलिंग स्थगित करने की मांग की जा रही है। अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी क्राय परसुराय द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 10/8/2021 को वर्ग 1 से 5 समान एवं उर्दू के किए गए काउंसलिंग को निरस्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ये प्रतिवेदन दिया गया है कि 10/8 को जो 1-5 का काउंसलिंग हुआ था, समान एवं उर्दू दोनों की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो वहाँ का काउंसलिंग निरस्त किया जाता है और ये क्राय परसुराय की बात किया जा रहा है। तो नालंदा जिला के क्राय परसुराय का काउंसलिंग रद्द हो गया है दोस्तों। देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा और जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा दोनों का डेट और सिग्नेचर यहाँ पे जारी किया गया है। तो आप अगर क्राय परसुराय में सिलेक्ट हो गए हैं और बच गए हैं तो अगले तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने के लिए तत्पर रहिए, या अगर आपका डॉक्यूमेंट ले लिया गया है तो डॉक्यूमेंट ले लीजिए और 13 तारीख को काउंसलिंग कराने के लिए सोच लीजिए। ये नालंदा जिले का अपडेट दिया। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन भोजपुर का है। देख सकते हैं भोजपुर 11/8/2021 का ही है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2020-21 में दिनांक 12/7/2021 को हुए काउंसलिंग के उपरांत चयन सूची के संबंध में कहा जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2020-21 में दिनांक 12/7/2021 को हुए काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र एवं चयन सूची उपलब्ध कराया गया है, परंतु सूची विहित प्रपत्र में नहीं होने के कारण वेबसाइट पर अपलोड करने में कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में आप सभी से बार बार अनुरोध किया गया, परंतु आज तक सूची विहित प्रपत्र में अप्राप्त है, जिस कारण कार्य तीव्र गति से नहीं हो पा रहा। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में 24 घंटे के अंदर चयनित अभ्यर्थियों को सूची कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। तो ये सारा अपडेट और ये दरभंगा का दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा सा थक गए हैं बोलते बोलते, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कर लीजिए, उसका हम लेके जरूर आएंगे। फिलहाल अभी हम आपको मुजफ्फरपुर, नालंदा, भोजपुर का ही अपडेट दिए हैं, और भी जिलों का अपडेट आएगा, ऑफिशियल लेटर आएगा, तो उस पर हम वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।